जहां सरकार कोरोना महामारी को देखते हुए गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही है, वहीं कोटेदार लाभार्थियों के हक के राशन को कम तौल कर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। आरोप है कि राशन 10 किलो की जगह घट तौली कर 8 किलो ही दिया जा रहा है। योगी जी, आपके राज में कोटेदार बेलगाम हो रहे हैं तो वहीं लाभार्थी परेशान हो रहे हैं। ऐसा हम नहीं, वही ग्रामीण कह रहे हैं जिनके राशन में घट तौली की जाती है। आपको बता दें कि मामला मानिकपुर विकास खंड के टिकरिया गांव के मजरे मनगवा का है, जहां की महिला कोटेदार पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें राशन कम तोल कर दिया जाता है। तो वहीं राशन लेने पहुंची एक ग्रामीण लड़की ने बताया कि तोलते समय तराजू पर लोहे के तसले से राशन रख कर तौल की जाती है, जिससे 10 किलो अनाज 8.5 किलो निकलता है। बताया यह भी गया कि उन्हें 10 किलो राशन मिलता है और लेकिन उसे जब दूसरे तराजू पर तौला जाता है तो वह 8.5 किलो निकलता है। आरोप यह भी है कि अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं मिलता। तो वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर उपजिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन भी दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या इन कोटेदारों पर कोई कार्यवाही होगी। किया था 10 किलो और अभी आप तोलाई तो कितना निकला? 8.5 किलो, 1.5 किलो कम है। अगले बार आपका अंगूठा लग गया था और क्या कहा? गल्ला नहीं दिया गया? गल्ला नहीं मिला, अंगूठा लगा रहा अगले महीने का। तेल नमक और ये कुछ नहीं दिया गया? नहीं। अब लोग सर अनपढ़ आदमी है तो अब बताइए क्या करे, कैसे बांटती है कैसे नहीं बांटती है, समझ। यानी तेल नमक और चना कुछ भी नहीं दिया गया? नहीं, वो जो अगले चक्कर का है ये वाले का मिला है, जो अगले चक्कर का था तो नहीं मिला। नहीं, जो न्यूज पेपर में पढ़ा है, सप्लाई इंस्पेक्टर या जो भी सक्षम होगा उसके स्तर से इसकी जांच कराएंगे। लेकिन वो महिला भी हमारे समाधान दिवस में आई थी, एडिशनल सर बगल में है, उनसे उसने कुछ शिकायत की है, तो दोनों ही को मिला करके एक स्पष्ट जाँच कराई जाएगी और अगर उसने गलत किया है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध। चित्रकूट से अनीस अहमद की रिपोर्ट।